यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर की चर्चा जोरों पर है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस पर ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो इस एनकाउंटर को शक के दायरे में लेने के लिए काफी है। इसी बीच एक और गंभीर सवाल तैरने लगा कि मंगेश के बाद अब किसका नंबर है, क्या डकैती कांड के मास्टरमाइंड का एनकाउंटर होने वाला है। ये सवाल उठा विपिन सिंह के बयान से। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं इसी का नाम विपिन सिंह है, जिस पर ज्वेलरी शॉप लूटकांड का आरोप है, यानी कि डकैती में शामिल लूट का असली मास्टरमाइंड। इसके चेहरे का खौफ बता रहा है कि उसे एनकाउंटर का डर है। इसने खुद मीडिया के सामने अपने एनकाउंटर की बात कही है। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? दरअसल विपिन सिंह ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में पेश होने के बाद आशंका जताई कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है। वो जब कोर्ट से बाहर निकल रहा था तभी पत्रकारों से बातचीत में उसने खौफ भरी निगाहों से ये बयान दिया। एक बार फिर सुनिए। क्या कहना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? मंगेश यादव और विपिन सिंह की क्राइम कुंडली के बारे में कहा जाता है कि विपिन मंगेश से ज्यादा खतरनाक है। जानकारी के मुताबिक विपिन सिंह अमेठी का रहने वाला है। वो शातिर किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक में केस दर्ज है। विपिन सिंह पर दोनों राज्यों के 8 जिलों में लूट, डकैती, चोरी और हत्या की कोशिश जैसे मुकदमे चल रहे हैं। कुल मुकदमों की बात करें तो विपिन पर 36 और मंगेश पर सिर्फ 8 केस हैं। बता दें कि डकैती मामले में 3 सितंबर को पुलिस ने मुठभेड़ में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। बदमाशों से पूछताछ में विपिन सिंह ही लूटकांड का मास्टरमाइंड निकला था। विपिन सिंह ने लूटकांड से पहले रेकी की थी और वारदात के बाद डकैतों को सुरक्षित शहर से बाहर निकालने की मदद की थी। बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को विपिन यादव ने रायबरेली कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, मगर मंगेश यादव फरार चल रहा था, जिसे एसटीएफ ने 5 सितंबर को एनकाउंटर में मार गिराया। फिलहाल पुलिस विपिन की कस्टडी रिमांड चाहती है, जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।